Shruti Patan got the Filmfare Best Actress Award. हिंदी के अलावा तीन गुजराती फिल्मों में मैंने काम किया है. एक थी अखंड सौभाग्यवती जिसमें मुझे स्टेट अवार्ड मिला था एज द बेस्ट एक्ट्रेस. शी वॉज ऑल्सो ए वेरी ब्यूटिफुल कथक डांसर और उनका एक बैले भी करती थी. आशा भारी एक परिपूर्ण नृत्यांगना है. कथक हो चाहे भरतनाट्यम या फिर वेस्टर्न पॉप म्यूजिक, आशा पारेख ने हर ग्रुप में अपनी छाप छोड़ी है. व्यवहार कुशल आशा पारेख 1994 में सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनाई गई. वो फिल्म सिटी के डायरेक्टर भी रहे. इतना ही नहीं, आशा पारेख जी को फिल्म सेंसर बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन बनने का गौरव भी प्राप्त है. बुरे शब्द नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि वो असर हमारे बच्चों पर पड़ता है. इसलिए मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट रही हूँ और कुछ लोगों को ये बात मेरी बहुत अच्छी लगी और कुछ लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी. तकरीबन 4 दशक तक बड़े पर्दे पर अपना परचम लहराने के बाद भी आशा पारेख जी ने अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति की गाड़ी को हमने नहीं दिया. डायरेक्शन का शौक तो बहुत था ही पहले से और सबसे पहले गुजराती सीरियल ज्योति बनाई मैंने. जीवन में कई सारी जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ आशा जी सामाजिक कार्य से सदा जुड़ी रही. जब महाराष्ट्र और गुजरात में बाढ़ आई थी उस समय आशा पारेख जी ने बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ काफी अनुदान दिया. शी हैज डन लॉट ऑफ सोशल वर्क ऑल्सो. उन्होंने बहुत सुंदर सा एक हॉस्पिटल भी बनाया गरीब जनता के लिए. विलक्षण प्रतिभा के धनी आशा पारेख को ढेरों अवार्ड मिले. फिल्मफेयर, नृत्य शिरोमणि, विश्व गुजरी, कला रत्न और कई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाली आशा पारेख को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया. आपका एक मकसद होता है कि हमें ये हासिल करना है और उसके हासिल करने के लिए आपको तन से, मन से और श्रद्धा से उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए. और अगर आपने कुछ पाया है तो उसे बांटना भी बहुत जरूरी है. आज पूरा देश आशा पारेख जी की उपलब्धियों से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है. फिल्म जगत में इनके विशेष योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है. God bless you. और अब मैं माननीय राष्ट्रपति मोदी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने के लिए आगे आए.